हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाडे टेस्ट के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि फाडे टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है और इस टेस्ट को किया कैसे जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, फाडे टेस्ट हम करते हैं हमारे फीमोरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को पता करने के लिए, साथ ही जो आपके इलियोजोआस मसल का टेंडनाइटिस होता है उसको पता करने के लिए हम फाडे टेस्ट करते हैं। बेसिकली फाडिर का मतलब क्या है? फाडिर को जब हम इलेबोरेट करते हैं तो F फॉर फ्लेक्शन, ADD फॉर एडक्शन एंड IR फॉर इंटरनल रोटेशन। यानी कि जब इस टेस्ट को आप करेंगे तो ये तीनों ही मूवमेंट आपको यूज़ करने होंगे, फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। तो अब बात करते हैं इस टेस्ट को किया कैसे जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले आप पेशेंट को सुपाइन लाइन पोजीशन में लेटाएंगे। पेशेंट का जो अफेक्टेड हिप है उसको 90 डिग्री तक आपको फ्लेक्स करना होगा और उसके बाद आपके पेशेंट के हिप जॉइंट को एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन का कंबाइंड मूवमेंट आपको करना होगा। अगर ऐसा करते वक्त पेशेंट का पेन बढ़ जाता है या रिप्रोड्यूस हो जाता है तो इस केस में आपका फाडे टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि पेशेंट को फीमोरो एसिटेबुलर सिंड्रोम है या आप कह सकते हैं इलियोजोआस मसल का टेंडनाइटिस पेशेंट को है। तो दोस्तों, इस तरीके से फाडे टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं इलियोजोआस मसल का टेंडनाइटिस। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।